की अपने आप जा रही है, पानी का तेजगी इतनी है माशाल्लाह कि ये लोग अपने आप रगड़ते में जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारा मेन चारा है फैसल। ये अभी हम इस वक्त माशाल्लाह कराची एंजॉय कर रहे हैं जी। ये हमारी गाड़ी देखें और ये माशाल्लाह तालाब का मंजर, पूल का मंजर, माशाल्लाह माशाल्लाह धक्का लगा रहे हैं। क्या गाड़ी और क्या गैस का सिलेंडर, क्या लोगों के दरवाजे। जनाब ये है अस्करी 3 कैंट में पोस्ट लोकेलिटी, अब ये देख सकते हैं ये अस्करी 3 है जी। ये देखें ये अपार्टमेंट्स हैं अस्करी 3 के, ये कैंट में बना हुआ है मेन कैंट कराची। उसमें आप जरा पानी का हाल देख लीजिए प्लीज़। ये देखें, ये देखें, ये मेरा अपार्टमेंट है और ये देखिए ये बिजली के मीटर्स हैं जो कि पानी के अंदर डूब चुके हैं। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। देखें ये पानी है जो घरों के अंदर दाखिल हो चुका है। ये देखिए जी ये मेरे घर का हाल मैं आपको दिखाऊं। ये देखें मेरे घर के अंदर ये पानी आ चुका है। ये देखें ये जी, ये देखें ये किचन का हाल है, घर के अंदर की पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें ये वुडन फ्लोरिंग है जी जो पूरी निकल चुकी है, उखड़ चुकी है, ये मैं जमा कर रहा हूँ। इधर सोफे डूब चुके हैं सर, ये देखें, ये देखें जी ये कमरों के अंदर पानी है, ये देखें जी ये कमरों के अंदर पानी आ चुका है, पूरा घर डूब चुका है जी। ये पार बच्चे तक क्या मिले इसको। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो कराची का जाना माना महंगा तरीन पोश इलाका है जहां शहर डूबा हुआ है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अल्लाह की रहमत इंतज़ामी नाअहली के बाद किस कदर मकीनों के लिए जहमत बनी हुई है। लोगों की अमलाक जो है वो किस तरह से पानी में डूबी हुई हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इस मकाम पर ले जाया जाए जहां इन्हें महफूज बनाया जा सके इस बारिश के पानी से, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शायद उसे मूव नहीं करा पा रहे और नुकसान से दो चार हो रहे हैं। अपार्टमेंट के टैंक्स में भी पानी जा चुका हुआ है। सीवरेज का पूरा निज़ाम इस इलाके का जो समंदर से बहुत करीब है, नहीं पता लग रहा है कि रिहायशी इलाका कौन सा है और समंदर कौन सा है। तो ये मुलाहिज़ा फरमाइए, कराची का महंगा तरीन इलाका जिसे आप डिफेंस या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कहकर पुकारते हैं किस हाल में। ये जावेद भाई ये DHA का हाल है। नीचे ये देखें, ये देखें, ये सामने मोटरसाइकिल देखें, गाड़ियां देखें, ये नीचे गाड़ी देखें डूबी हुई है, वो देखें नीचे देखें, अभी भी बारिश हो रही है। देखिए जावेद भाई, ये देख लें, ये भजन ये है हाल DHA का।
सारी गाड़ियां डीएचए में खराब हालत में खड़ी हैं बारिश के बाद। ये मैं तो उधर साइड पे होके बैठा हूँ और ये हालत है जी, हैं बूटा। बड़ी चीज है, छोटा भी नहीं। यार अल्लाह अपन कर रहा आगे तक आ रहा है तो करीब आ रहा है ये तो। हाँ था कि भी तो पूरा उससे कालीन टाइप में नहीं होता, गोलाई में खुली गया तो मुंह छोटा नहीं करता। व्यू माउंट लावा ब्रिज के जॉइंट खुल रहे हैं जो जिसमें लोग घूम रहे हैं, सारे ब्रिज के सारे जॉइंट खुल चुके हैं और इससे पूरा नीचे तक का व्यू नजर आ रहा है। ये कंडीशन है इस बारिश की, उम्र को चाहिए इस पर एक्शन ले। और ये नागन है तो अगर इससे फौरी एक्शन नहीं लिया तो ये ब्रिज भी गिर जाएगा, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। नहीं ज्यादा जरूर है।